राष्ट्रीय सघन टीकाकरण पल्स पोलियो अभियान आज 27 से 28 फरवरी तक आयोजन किया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित दो बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार के उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बच्चों को पोलियो का ड्रॉप्स दिया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के शासकीय अस्पताल में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुभारंभ किया गया। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष और स्थानीय विधायक अरुण वोरा ने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाकर शुभारंभ किया। वहीं जिले के सांसद विजय बघेल ने सेक्टर 9 जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में जाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम छोटे छोटे बच्चों को दवा पिलाकर अपनी सहभागिता निभाई। गौरतलब है कि राष्ट्रीय पल्स पोलियो कार्यक्रम में दुर्ग जिले में सफल बनाने के लिए जिले में 1010 बूथों में पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएगी। इसके लिए 4041 वैक्सीनेटर, 210 सुपरवाइजर नियुक्त किए गए हैं। जिला में इस अभियान में 2.5 लाख बच्चे और 3,05,000 घरों का लक्ष्य रखा गया है। आपका नाम बताइए आपका। दो बोलना जी सर।